तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्वल सर्वर। जी हाँ, हम बात करेंगे आज सिक्वल सर्वर के बारे में, और सिक्वल सर्वर की हमारी ये पहली क्लासेस है जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे साथ मिस्टर राजेश है। राजेश जी ने सिक्वल सर्वर 2012 को डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि मेरे पास सिक्वल सर्वर 2017 है। कोई बात नहीं, सेम है दोनों में, थोड़ा बहुत इंटरफेस का अलग अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिक्वल सर्वर जो है एक डेटाबेस है, और उसकी थ्योरी पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में कि क्यों इस्तेमाल होता है, किस किस तरह की चीजें होती है उसमें। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस को हम ओपन कैसे करेंगे। तो स्टार्ट मेनू बार में आप जाएंगे और सिक्वल डालेंगे तो आपके सामने दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, राइट। और जो आपका वर्जन होगा मेरा 18 है, तो 18 आगे आपका 12 है, तो 2012 दिखेगा। बाकी इसमें सिक्वल सर्वर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो दिखेगा, ये सब नहीं खोल रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इस समय बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, जैसे खोलेंगे, खोलते समय आपके पास आएगा कनेक्ट द सर्वर। तो जैसे कि मैंने बताया कि एसक्यूएल सर्वर दो तरह का होता है, एक लोकल होस्ट, दूसरा क्लाइंट सर्वर। दोनों के बारे में पता है क्या होता है, लोकल होस्ट और क्लाइंट सर्वर? लोकल में सर ये लोकल जो डेटाबेस आपका जो स्टोर होता है, आपके अगर जिस उसी पीसी में स्टोर है, जैसे मेरा लैपटॉप में स्टोर है, आपके रजिस्टर में स्टोर है, दैट कॉल्ड लोकल लोकल होस्ट। मतलब कि हमारा डेटाबेस उसी फाइल के अंदर, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के अंदर डेटाबेस डिफरेंट पीसी एंड डिफरेंट लोकेशन में होता है, लैन एंड वैन के जरिए आपका सिस्टम उसके सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। तो वहां पे आपको स्टूडियो मैनेजमेंट स्टूडियो क्लाइंट सर्वर मिलेगा, आपको पूरा सर्वर, तो उसकी जो है एप्लीकेशन बड़ी छोटी होती है, आई थिंक 100 या 150 MB की होती है। ठीक। तो उसका काम सिर्फ ये रहता है कि एक इमेज क्रिएट करना आपके सर्वर को आपकी स्पीसी। ठीक। जैसे वेबसाइट कैसे होता है सर, वेबसाइट स्टोर होता है आपके सर्वर में कहीं और, जैसे आप HTML के जरिए आप उस वेबसाइट को लॉगिन करते हो, सारा फीचर आ जाता है। वो फीचर उस वेबसाइट की थोड़ी होती है, उस HTML की थोड़ी होती है, या जो भी है, वो तो किसी सर्वर का अनदर सर्वर पर स्टोर होता है। तो HTML और वेब पेज क्या करता है, उसको यहाँ रीडायरेक्ट करता है। ठीक। कुछ भी आप डेटा सेंड करते हो तो सर्वर में जाकर सेव होता है, रिट्रीव करते हो तो सर्वर से लेके देता है। ठीक। ईमेल आईडी जीमेल की बात कर ले, जैसे आपने gmail.com ओपन किया और आप कोई भी मेल सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, या फिर कोई कोई अटैचमेंट अटैच कर रहे हो, तो वो आपके उस HTML पेज पे थोड़ी हो रहा है, सर्वर पे हो रहा है। HTML पेज आपको विजुलाइजेशन दे रहा है, क्लाइंट सर्वर यही काम करता है, वो आपको जस्ट विजुलाइजेशन देता है। ठीक। अब यहाँ पे आपको जो है तीन तरह की चीजें होती है, चार होता है, लेकिन एक जो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज को हम बात नहीं देते हैं। तीन होता है आपका डेटाबेस इंजन, एनालिसिस सर्विस एंड रिपोर्टिंग सर्विस। अब तीनों के सवाल में डेटाबेस सर्विस हुआ कि आपका डेटाबेस को हैंडल करना चाहते हैं। क्या होता है कि ये डेटाबेस को नहीं होता, डेटा से पिवट कैसे होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट बने हुए एनालिसिस सर्विसेज को, एनालिसिस पार्ट को शो करता है। रिपोर्टिंग ऐसे ही एसक्यूएल सर्वर बनाई गई रिपोर्ट सर्विसेज के अकॉर्डिंग होता है, और डिपेंड करता है आपके जो एसक्यूएल है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या है। क्योंकि मैं अपने कोर्स में बात करेंगे सिर्फ डेटाबेस इंजन के बारे में। ठीक है। अब डेटाबेस इंजन में आपको यहाँ पे सर्वर का पाथ और यहाँ पे सर्वर नेम, पास मतलब इसका पीसी कौन से पीसी में, मैं वैन लैन एड्रेस, और यहाँ पे स्लैश आपका जो भी साइज है। उसके बाद यहाँ पे ये आएगा, जैसे कि आपके पास विंडो ऑथेंटिकेशन यहाँ दिख रहा है ना, क्योंकि मेरा लोकल होस्ट है, आपके सिस्टम ही लोकल होस्ट है, पर कंपनी में आपसे पूछेगा सर्वर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे लॉग इन एंड पासवर्ड। ठीक।
ठीक है, ठीक, और उसको रिमेम्बर कर दो, रिमेम्बर, फिर उसको कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करते ही सारी चीज सही रहा तो आपके डेटाबेस से वो कनेक्ट कर देगा, राइट? ठीक है। अब इसमें जो भी हम करेंगे, देखिए इसमें अगर मान लीजिए हम कुछ बनाते हैं, उसको दो तरीके से बनाते हैं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो दूसरा क्यूरी के जरिए। मतलब कि अगर मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई डेटा एंट्री करनी है या कोई डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो हम यहाँ न्यू क्वेरी पे क्लिक करके क्यूरी से कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा हम यहाँ राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटा, जैसे मेरे पास आर डेटा एंड आर डेटा, दो डेटाबेस बना हुआ है। जैसे कि आप एक फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल के अंदर सीड्स क्रिएट करते हैं, सीड्स के अंदर डेटा एंट्री रो एंड कॉलम में करते हैं। तो एक पीसी है, पीसी पे फाइल है, फाइल पे, फाइल के अंदर सीड है, सीड के अंदर रो एंड कॉलम है, उसके अंदर हमारा डेटा है। सेम उसी तरह से आपका एक सर्वर है, सर्वर के अंदर आपका डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स है, और टेबल के अंदर आपका डेटा है, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने। आज मैं आपको ग्राफिकल बता रहा हूं कि कैसे ग्राफिकल हम ऐड करेंगे, और कल हम आपको बताएंगे करेक्ट इस तरह से आप क्यूरी के जरिए करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बस आपको इस डेटाबेस पर राइट क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस क्लिक करना, ठीक है, ठीक, न्यू डेटाबेस। अब यहां पे अपना डेटाबेस नेम क्या लिखेंगे, डेटाबेस नेम, जो भी डेटाबेस आपका नाम चाहते हैं उस तरह का नाम डाल, जैसे कि मैंने डाल दिया यू डेटा, आर डेटा है ना, यू डेटा। अब इसमें ऑनर, समझे ऑनर के मतलब कि इसका ऑनर कौन है, मतलब कि इसके अंदर चेंज वगैरह की परमिशन किसको मिले, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि सर्वर पे आपने डेटाबेस क्रिएट किया, तो आप नहीं चाहते हैं कि हर कोई यूज करे, तो यहां पे आप ऑनर को सेट करें, ठीक, ब्राउज, और ये सारे आपके जो भी ऑनर्स हैं, समझ गए? समझ गए। मैं यहां पे डिफॉल्ट कर दिया। अब यहां पे देखिए डेटा आ गया, यहां पे फाइल ग्रुप प्राइमरी, ये आपका मिनिमम साइज 8 MB का है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है, और आपका इस पाथ पे सेव। देखिए पाथ वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते, ठीक है, और उसकी लॉगिन डिटेल भी आपका सही है। अब मैं इसको स्किप पे क्लिक करूंगा, एक मिनट, गलती से मैं स्किप पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे स्किपिंग कर रहा है। जो भी आपको बनाया है यहाँ पे पूरा डेटा था क्रिएट, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस नेम, यू डेटा, फाइल नेम कहाँ पे स्टोर होगा, साइज क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, फिर अल्ट्रा है, फिर सेव डेटाबेस कंपैटिबल 140 डिफॉल्ट ऑफ नल ऑफ पैडिंग ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है, रिकॉर्डिंग मैक्रो नहीं होता है, पूरा से हो गया है तो बता देता है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं फिलहाल अब एक साथ कई डेटाबेस बना सकते हो, ऐड पे क्लिक करके ऐड कीजिए, फिर नया डेटाबेस ऐड कीजिए, फिर नया डेटाबेस,
तो आपका एक हमारा यू डेटा यहाँ क्रिएट हो गया। अगर नहीं दिख रहा है तो आप एक बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिए तो दिख जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक। अब डेटाबेस तो बन गया। अब डेटाबेस में देखिए क्या क्या होना चाहिए, टेबल व्यू सबसे दिखता है कि भाई कौन कौन व्यू किया है, कौन कौन व्यू नहीं किया है, वो पे आएगा आगे चल के ये सब दिखेगा। ठीक है देखिए आपका पूरा दिख रहा है। फिलहाल तो हमें टेबल एंट्री करनी है, ये मतलब टेबल आपका डेटा है, बाकी जो इसके पार्ट अलग अलग पार्ट है स्टोरेज वगैरह पार्ट, टेबल जो भी एंट्री करेंगे हम टेबल के ऊपर एंट्री करेंगे। तो हमें यहाँ पे सिस्टम टेबल पहले से बने हुए हैं कि आपका या फाइल टेबल, इसमें कुछ टेबल पहले से बने होते हैं ग्राफ टेबल वगैरह, जैसे आप बनाते हो बनता है, लेकिन मुझे एक डेटा टेबल ऐड करना है तो राइट क्लिक यहाँ पे राइट यहाँ पे डेटा में से राइट क्लिक ठीक है राइट क्लिक कीजिए न्यू टेबल। टेबल के कई पार्ट है तो हम वन बाय वन बताएंगे, पहली क्लास में से बताना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको एक बार समझिए। आपको यहाँ पे पहले डिसाइड करना होगा कि आप टेबल में डेटा एंट्री करने जा रहे हैं डेटा क्या क्या होना चाहिए, उसका कॉलम क्या क्या होना चाहिए, कॉलम के अंदर डेटा क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार कर देंगे तो फिर अल्टर करना मुश्किल होता है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है चेंज करना, इसलिए चेंज करने क्योंकि एंट्री कर दोगे। मान लीजिए आपने डेट का कॉलम डाल रखा है, क्योंकि डेट में नेम है, डेट की एंट्री आप कर चुके हो तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर चेंज नहीं करेगा, वो फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। हाँ दोबारा से डिलीट करके दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक तो यार इसलिए पहले डिसाइड कर लीजिए, जैसे मैं एक छोटा सा टेबल इंक्वायरी टेबल बना रहा हूँ तो हम पहले लिखेंगे नेम। अब इसमें कैर एन कैर नंबर और एन कैर मतलब इसमें नंबर और करेक्टर दोनों इसके लेगा और 10 डिजिट तक ही लेगा। ठीक तो मैं नाम 10 नहीं मैं 50 कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे 50 कर देता हूँ, 50 हो गया। अब यहाँ पे करता हूँ सिटी सेम एन कैर, यहाँ पे कैर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, एन कैर होना चाहिए, एन कैर भी नंबर नहीं लेगा, इसमें नंबर भी एक्सेप्ट कर मोबाइल एन कैर और ये 10 डालने देता हूँ मैं, तो मोबाइल नंबर 10 है और कोर्स ये हमारा बिफ्टी ठीक है। अब इस चार कॉलम बनाए, अब इसमें दिख रहा है अलाउ नल्स, क्या आप ब्लैंक एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसमें करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए, नहीं करना चाहते तो क्लिक नहीं। ठीक ये सारे चीज ये जो आप देख रहे हैं ना इसको हम मैनुअल बना रहे हैं ना सर, इसको भी जो अभी आपने स्क्रिप्टिंग दिखा था आपने ना उससे बना सकते हैं, आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके यहां से इसको यस करते हैं और इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देता हूं डेटा एंड। अब इसके अंदर डेटा इंपोर्ट कराने के लिए अब इसमें देखिए नहीं आया टेबल से रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश कर आ गया सर। अब इसके हम इंपोर्ट भी करा सकते हैं या मैनुअल टाइप या वीवी के जरिए टाइप अलग अलग एंगल से इसको हम इसमें डेटा डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम मैनुअल डालना सिखाते हैं कैसे डालेंगे, ऐसे क्यूरी के जरिए भी डाल सकते हैं। ठीक एडिट टॉप 200 दिख रहा है आराम से इसमें की या एक्सेल की तरह दिख जाएगा जिसमें आप अपने डेटा को एंट्री कर सकते, जैसे नेम मैंने यहाँ पे पूजा दे दिया, सिटी लाल सब पे लगेगा जब तक कि पूरा नहीं डाल देते आप। ठीक हट गया सर। ऐसे आप इसके अंदर एंट्री मैनुअल भी कर सकते हैं या किसी से करवा भी सकते। ठीक मैनुअल
इसलिए किया क्योंकि शुरुआती दौर में करेक्टर भी अब जैसे करेक्टर आपने ग्राफिकल देख लिया देन आप करेक्टर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आए ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, पहले आपको डेटाबेस एक लॉगिन करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, एक दो तीन चार क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं टेबल्स क्रिएट करें, टेबल के टेबल्स है टेबल्स को सेट करें और उसमें आप अपनी बहुत डेटा एंट्री करें। ये पहले आप करें, अगर कोई दिक्कत आती है कि फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है कल मिलते हैं सेम शुरुआती में थोड़ा सा के लिए प्रैक्टिस करते हुए फिर हम स्क्रीन पर। इसका सर एक बार रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना दोनों, उस दिन का और आज का। ठीक है सर, भेज देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।